हाई एवरी वन वेलकम बैक टू आवर चैनल आई होप यू ऑल आर वेल तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ढोकला की रेसिपी और आज मैं ये ढोकला बेसन से बनाऊंगी जो बहुत ही फटाफट बन जाता है काफ़ी कम टाइम में बन जाता है कम मेहनत में और काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होता है तो चलिए आज की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बट स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नहीं बार तो आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये यह बेसन लिए हुए एक कप ग्राम्स में ये टू हंड्रेड ग्राम से इसके अलावा मैंने यहाँ पे तीन बड़े चम्मच सूजी लिए हुए तो सबसे पहले हमें इसका बैटर रेडी करना है तो इसके लिए मैंने एक बोल लिया हुआ है जिसमें मैं बेसन ऐड करूँगी और साथ ही मैं ये सूजी भी ऐड कर रही हूँ हम यहाँ पे मैंने जो सूजी इस्तेमाल किया बिल्कुल बारीक है तो अगर आपके पास बारीक नहीं है ना तो आप उसे एक बार ग्राइंड कर दे तो वो बारीक हो जाएगा और इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हमें इसका बैटर रेडी करना तो मैं इसे अच्छे से मिला देती हूँ लेकिन इसी टाइम में मैं इसे बाकी सामान भी ऐड कर दूंगी तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ऐड करी हूँ दही तो ये मैं आधा कप दही ऐड कर और इस बात का ध्यान रखना है कि ये खट्टी दही होनी चाहिए फ्रेंड तो मैंने घर वाला आप चाहे तो मार्केट या फिर घर वाले कोई भी ले सकते हैं लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिए कि वो खट्टी दही होनी चाहिए अब बस दही डाल के भी इसे बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे इसी टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे नमक नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं फ्रेंड ज्यादा या कम और नमक डाल देने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल तो मैं यहाँ पे एक चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट एक चम्मच और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच शक्कर ये सब का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो इसे डाल के ना इसे बस अच्छे से बिल्कुल मिला करके हमें मिक्स कर देना है और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आप जिस क्वांटिटी में आपने बेसन दिए हुए हैं उस क्वांटिटी के अनुसार आप उसमें ही पानी ऐड करके और उसकी बैटर को आप एडजस्ट कर लिए बस आप इसकी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल ध्यान से देखिए कि मैं किस कंसिस्टेंसी की रख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए तो अभी तो हम बैटर को मिक्स कर दे रहे हैं लेकिन अभी हमें क्या करना है ना इसे पंद्रह से बीस मिनट के लिए रेस्ट पर रखना होगा क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की तो पंद्रह से बीस मिनट सूजी इसे फूल जाएगा इसलिए हम इसे रहने देते हैं तो कुछ पंद्रह से बीस मिनट तक मैंने इसे रेस्ट पे रखा और आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा पहले से ठीक हो चुका है जो सूजी है ना वो काफ़ी अच्छे से ना फूल चुकी है तो ये बैटर रेडी है इस टाइम हम हमसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दे क्योंकि थोड़ा सा ना ठीक हो चुका है तो इस टाइम पे मैं इसमें पहले ये फ्रूट सॉल्ट ऐड कर दे रही हूँ तो मैं यहाँ पे आधी छोटी चम्मच फ्रूट सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी अब बस इसे बिल्कुल अच्छे से ना मिला देंगे फ्रेंड फ्रूट सॉल्ट ऐड कर देने के बाद ना हमें इसे बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं रखना है फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद तुरंत बाद ही हमें फटाफट -पट से इससे ढोकला बनाना है तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर दी और ये रही हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल रेडी है इधर मैंने एक बर्तन में ना ऑयल डाल के और उसे ग्रीस करके रेडी कर लिया है और इस टाइम पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी ढोकला का बैटर और सारा बैटर इसमें डाल देने के बाद ना हमें इसे हल्का सा टैप कर देना है ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं ना वो बिल्कुल निकल जाए और बस ये बैटर बिल्कुल रेडी है फ्रेंड इधर मैंने ना एक कढ़ाई में पानी डाल के उसे गर्म होने के लिए रख दिया था लगभग दस मिनट पहले ही और उसके ऊपर मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है आप चाहे तो कोई भी स्टील की कटोरी बर्तन ले सकते और बस अब मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी और अब हम इसे पाँच मिनट हाई फ्लेम पे और फिर बीस से पच्चीस मिनट की लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो मैं इसे कुक होने देती हूँ तो फ्रेंड मैंने इसे कुक कर लिया अब मैं इसे चेक करूँगी तो एक नाइफ लेके आप उसके अंदर डाल रही हो ये देखिए नाइफ बिल्कुल क्लियर आ रही है यानी कि ढोकला बिल्कुल कम्प्लीटली कुक हो चुका था हम इसे निकाल लेते हैं तो मैंने इसे निकाल लिया अब हमें क्या करना है इसे तो थोड़ा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद नाइफ़ की मदद से ना हम इसे निकाल लेंगे तो मैंने इसे ना थोड़ा ठंडा कर लिया उसके बाद इसे निकाल लिया नाइफ़ की मदद से अच्छे से निकाले क्योंकि हमने ऑयल लगाया था ना तो बिल्कुल अच्छे से निकल जाते कोई दिक्कत नहीं होती है तो जो ढोकला है वो काफ़ी अच्छा सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है अब हम इसमें तड़का लगा लेंगे तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया हुआ है जिसमें मैंने ज़रा सा ऑयल ऐड किया है और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च कुछ कड़ी के पत्ते और कुछ मैंने राई लिए हुए और इसे हम थोड़ा सा भुनेंगे बहुत ही ज़्यादा नहीं और उसके बाद तुरंत ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे तो वन फोर्थ कप मैं इसे पानी ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी शुगर अब बस इसे हम हाँ हम तब तक पकाएंगे ना जब तक बस शुगर मेल्ट ना हो जाए इसमें अच्छे से मिल ना जाए तो बस तभी तक पकाना है ओवर को बिल्कुल नहीं करना तो ये देखिए हमारी ये जो तड़का है वो बिल्कुल रेडी है ढोकला के ऊपर डालने के लिए तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे तो अब सबसे पहले ना हम ढोकला को कट कर लेंगे फ्रेंड ताकि जब हम तड़का इसमें डालें तो ये बिल्कुल अच्छे से ना अंदर तक जाए तो जब मैं कट कर रही हूँ ना कट करने से आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि जो ढोकला वो कितना सॉफ्टली कट हो रहा है यानी कि वो कितना अच्छा सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है तो बस अब इसके ऊपर फाइनली तड़का लगाएंगे चारों तरफ से अच्छे से डाल देंगे और उसके बाद आप इसे सर्व करें तो है ना कितनी ज़्यादा आसान रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड और काफ़ी ज़्यादा हमारा सॉफ्ट बन के रेडी होता है तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मैंने इस वीडियो में जो भी बातें बताई आप उसका बिल्कुल ध्यान रखिए चाहे वो बैटर रेडी करने हो या फिर कुकिंग टाइम में हो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए और आपका बिल्कुल ऐसा ही ढोकला बन के रेडी होगा तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट से ज़रूर बताए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग